बाहर के लोग आओ कंपनी में जितना मैनेजर डायरेक्टर बन के दो बाहर के लोग तो आते भी ना डर लगे चले तो के तो आज हमने सामने सेम सिचुएशन आओ तो सबसे पहला बात लड़ाई तो लड़बे करबे लड़ाई अभी बहुत लंबा जीते आज के डेट में मांगले भीख नहीं मिला तो अधिकार के लड़ाई लगे तुरते नहीं मिलते और ऊपर से कैसे मिलते अखनी जन लोग हमने के लगातार सताई के रखल हमने ऊपर जुल्म करल आओ हमने के लोग के शहीद करल आओ हमने तीन तीन को शहीद आदि सामने आओ कितना जुल्म मेरा तो में तुरते दे तो आजादी कितना संघर्ष के बाद मिलल है झारखण्ड तो आसान ना हो लड़ाई लंबा जीतो लेकिन एक में हो कि हमने के एकजुटता के साथ धैर्य के साथ चले हतो और हमने के एगो मिशन के तहत चले हतो नहीं तो आने वाला फ्यूचर बहुत नुकसान में हतो उदाहरण खातिर थोड़ी की सिंदरी विधानसभा के हम थोड़ा बात करो सिंदरी बगले में हो और चूंकि थोड़ी लोकसभा में सिंदरी आवो हो सिंदरी विधानसभा में एगो तोर आयल नया नियम आयल है जकर में तोर 18,000 परिवार के गैर रेतल हम बसे 18,000 परिवार के हम बसे तो है मतलब अगर एक परिवार में 5 लोग है तो 18×5=90 यानी 90,000 लोग वहाँ बाहरी बसते जब 90,000 लोग वहाँ बसते अगर मतलब सीधा है एगो विधानसभा खत्म एगो झारखंड के चाहे एगो धनबाद के एगो विधानसभा खत्म निकाल के लो हमने तो यहाँ डर कर रहे हैं कि माने तोर जाए के हमने के नौकरी नहीं मिल रहा है हमने डर कर रहा है कि हमने के रोजगार छीन रहा है हमने डर कर रहा है कि माने हमने अब यहाँ इतना बड़ा डर हो कि विधायक और सांसद बने खातिर हमने सोचे बहुत प्लानिंग चल रहा है आज नहीं लड़ रहे तो बहुत नुकसान में तो बहुत प्लानिंग के तहत चल रहा हो और एक बात सीधा सा स्पष्ट हो कल सिंदरी में भले परसों रचंदन क्यारियों भय सकल हो कोई खाली जमीन एक्वायर कर लो और आके पकड़ बसाए दिलो बहुत प्लानिंग के तहत झारखंड में ऐसा कहीं को राज्य में नहीं बह रहा है तो इका हमने क्या जुटता के साथ लड़ा तो और दूसरा बात हम समाज के तमाम साथी हर समाज के लोग से कहते रहे और विशेषकर युवा पीढ़ी के थोड़ा सा हमने अपन इतिहास के जाने आज हमने शहीद सब अपनी इतिहास बदले लेकिन अगर हमने इतिहास अगर भुला जीवे तो आने वाला पीढ़ी बड़ा भी नफर तो कम से कम हमने में कुर्ती आओ विशेषकर हमारे लगभग झारखंडी के हर समाज में शराब के बहुत ज्यादा प्रचलन हो बुरा नहीं मानिए इतना सच्चाई लग तो अगला हमने के धीरे धीरे दूर करे तभी हमने के पढ़ो और लड़ो के सपना साकार रहते हमने के शहीद सबके सपना साकार रहते तो कहीं ना कहीं हमने में जब खामी हो अगलो दूर करे तो और बात एकजुटता के साथ अगर आज ना लड़े तो बहुत नुकसान रहते आखिर एक बात बताओ कि लड़ाई की लागत अगर पहला हमने कदर खाते सोच लड़ा कि आने वाला पीढ़ी तो आने वाला पीढ़ी जो 18 साल 16 साल 12 साल के गिधर गिला हो अखनी आज कहीं ना कहीं रास्ता में ना आए हो कोना समाज की बात कर हमारे और पूरे झारखंड समाज के गाँव में रहो तो प्राय प्राय समाज के हल हम देखे हो जहाँ जहाँ हम जाए कार्यक्रम करे ले भीड़ तो आ जाओ लेकिन जैसी सांझ है वो परिस्थिति देखा बहुत खराब दुख लागो तो हमने मकसद केवल झारखंड झारखंड के 85% रोजगार मिले लग लगे यहाँ के लोग अधिकारी पर लगते लेकिन जब तक हमने खुद नहीं सुधार करते तो चलाए पार भी ना आ पार तो धोनी से हाथ जोड़ के खासकर युवा साथी से प्रार्थना हमारा लो कि शराब इला धीरे धीरे छोड़े के प्रयास हाँ तक अब हमें इतना नहीं सोचे कि हम पूर्णता विरोधी लागिए शराब के अरे भाई अगर थोड़ा लाभ मिलो तो अभी अगर कोई भलो फंक्शन वगैरह तो एक पानी नियर पी लेना तो अलग बात हो लेकिन हमने कल्चर बन गया हो शान भलो की मैंने शुरू कर दिली तो इगला बहुत बड़ा नुकसान भय रहा हो आज हमने के जे जमीन छिनाई गलो तो रीजन की हो कोनो समाज के जे जमीन छिनाई लो कंपनी के माध्यम से या बिचौलिया गिला में आके छीन लो तनी पढ़ा और जानकारी ले कैसे छीना लो सबके खियाई के अगले मामला धनबाद बोकारो के जितना जमीन गला हो ते पता कर सब अगले मामला हो तो जेटा बचल हो इटा बचाए करा अरे बहुत भारी नुकसान है वाला तुम सब गर्वत प्रार्थना रहो जब बचल हो अपना बलिदान दला तुम सब समाज के लोग बलिदान दला तब जाके झारखंड मिलल और हमने शहीद के समाधि में शहीद के पुण्यतिथि के अवसर में आयो कहके कब अगर शहीद लग सम्मान करे हैं तो अपने विचार के सम्मान फूल चढ़ा दिलियो प्रोग्राम करी दिलियो और फिर साझे हमने अपन तो शहीद के सम्मान तबे भेतो शहीद के आत्मा के तबे शांति मिलतो जब अपन बताए रास्ता की बताओ तो बहुत तकलीफ है हमें कौन झारखंडी की खातिर मर गए कहीं कुछ नहीं सुन रहे कोनो मान हमने नहीं रख ले तो शहीद के सम्मान तबे भेतो दादा साहब भाई साहब जब ओकर बताए रास्ता की आज बहुत दुख के झारखंड मिलल हो एखे लाख भाई भाईचारा की बात कर 88 साल संघर्ष करल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ 4 घंटा में छत्तीसगढ़ बन जाए फरमान अले लग रहा है चाहे दे दिलो इटा भेलो भाई भाई एक भाई में मांगलो अधिकार दूसरा भाई में दे दिलो और जाके उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बनले कुछ समय नहीं लगले कुछ संघर्ष नहीं भले मांगले आरो दे दिलो इटा भेलो भाई भाई हमने 88 साल संघर्ष करल 88,000 लोग हमारे मरल है तब झारखंड मिलल है तो ऐसे नहीं मिलल है
हटे खाते ताकि बचाएगा राखिया तो आगू कैसे रणनीति बनना हो, कैसे लड़ना हो, ताकि देख एक बात सीधा हो, गुलाम बहन के जी एक से अच्छा उम्र को आने वाला पीढ़ी जरूर बदला लेते सामने वाला सिकंदर कहे नहीं लगे। अरे सिकंदर से बड़ा तो दुनिया जीते वाला क्यों नहीं नहलाई, तलवार के नोक से आधा दुनिया के झुकाए चल तो सामने वाला सिकंदर कहे नहीं लगे। अगर हमारा आने वाला पीढ़ी के अगर हमें जागरूक कर लिए वो जरूर अपना बदला लेते। आज ना सिकंदर के तलवार में बल है, आज ना सिकंदर के तलवार में बल है, एक दिन हमरो हमारे लाठी में बल है तो जरूर है। लेकिन अगर हमने घुटना टेक दली, हमने अगर गुलामी स्वीकार कर ली, हमने अगर आंदोलन नहीं कर ली, हमने अगर नहीं लड़ ली तो आने वाला जनरेशन हमें लड़ लिया नहीं पास। अपनी के जय बुझे तो सटा कर तो जय ना बुझे तो कहीं ना कहीं आज लड़ गए तो आने वाला पीढ़ी लड़ता है कि हमारे बाप दादा काका जैठा लड़ी के गला कुल जरूर लड़ते आज जरूर हमने के अपमान के बदला लेते जरूर हमने के जब पर हमने आज हमने के जो शोषण भर लुटक बदला लेते। लेकिन अगर ना लड़ ले तो आने वाला पीढ़ी सोचे नहीं पाते हमारे बाप दादा की करके गला। तो हमें ऐसे संदेश रहते आज बहुत प्लानिंग के तहत नौकरी से रोजगार तो छोड़िए नहीं अखनी अब विधानसभा लोकसभा निकले प्रयास करो। भारत एगो लोकतांत्रिक देश लग स्पष्ट डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा लगा जब डॉक्टर अम्बेडकर जब संविधान लिख के तो कोई धनी आदमी कहा ले कि अब आज के बाद अम्बेडकर ने जब कहा कि आज के बाद रानी के पेट से नहीं मत पेटी से राजा निकले अरे तो पढ़ल लिखल करते हुए लखन रही कोई धनी आदमी में राजा परिवार में कहा अम्बेडकर के कि कितना पढ़ल लिखल हो यार बताओ ना एखनी तो किनी ले अम्बेडकर के आंख में आंसू कहले सही बात कर तखन नारा देवे संघर्ष करो शिक्षित बनो और संगठित रहो। तो आज कहीं ना कहीं हमने महापुरुष मिला के सपनों के झारखंड सपनों के भारत तबे बनते है जब हमने जमीनी स्तर से काम करें। नहीं तो सही बात हो एक बात जान ले देखो जब पूंजीवाद रहा है ना जब कंपनी रहे ना ओकर ना जात रहा है ना धर्म रहे ना मजहब रहे ओकर सिर्फ मुनाफा रहे तो एखनी के हमने के दया से हमने के पीड़ा से हमने के दुख से कोई मतलब ना एखनी के सिर्फ मुनाफा से मतलब आ और जमीन छीना तो बेघर रहें तो विस्थापन में कोई मतलब ना हो। तो सही कहा लड़ाई आज ऐसा लड़ना हो कि आने वाला जनरेशन हमसे गर्व करते कि हाँ हमारे पूर्वज लड़ी के गए। तो बस आज हमें माफी चाहे हो कि कार्यक्रम के समय ना आ पाली ताकि थोड़ा सा घरे हमारे मैंने एगो वैवाहिक कार्यक्रम होगा खातिर हम हाथ जोड़ के माफी चाहेंगे थोड़ा जल्दी आई गलियो कार्यक्रम के समय ना आ पाली और सीधा तो हमें जितना पढ़े हैं सबसे आशीर्वाद चाहिए और छोटा सा हमारे हटे संदेश रहो पढ़ा लिखा और सही रास्ता में चला बहुत जरूरत आओ नहीं तो फिर हमनी जैसा बेवकूफ और हमनी जैसा भोला भाला क्यों ना भाई कौन हाँ राज्य वो राज्य चंदपुर राज्य के लोग फर्स्ट आवो बिहार में बिहारी के फर्स्ट गिना है बंगाल में बंगाली के फर्स्ट गिना है लेकिन झारखंड में हमने के थर्ड और फोर्थ ग्रेड में भी नहीं आते हैं हमारा राज रहा थर्ड और फोर्थ में और जगह ना हो कहे यह गिला चल जाना हो रही झारखंड के लोग पक्का धंधा लगा कभी भुलाए लेवे तो इगला जवाब दिए सी के आता है कि अब ना अब झारखंड 21 साल के भाई गला है अब झारखंड जवान ना है सियान भाई गला तो सियान भाई गला की उत्तर मिलना चाहिए अपनी के और आज नहीं दे पा रहे तो आने वाला पीढ़ी ना दिए पा ताकि स्थिति सामने आ रहा हमने क्या आने वाला पीढ़ी उत्तर भी नहीं दिए पास तो यह जनरेशन यह पीढ़ी है उत्तर दिए पास उत्तर तबे दबो जब हमें सक्षम हो अगर एग्जाम हॉल में हम जाए रहे हमें अगर सवाल के उत्तर ना जाने तो फिर उत्तर ना दिए पाते हमें अगर सक्षम है जरूर उत्तर देवे आज दुनिया में बहुत बहुत मगरूर सर झुकल है आज मोटा मोटी दुनिया के सबसे बड़ा पार्टी क्या है भारतीय जनता पार्टी ओकर सरकार हले भारत केंद्र में और किसान में एक साल मुहरम चाहे देखे देखा लेकिन ओकर से बड़ा पार्टी अभी दुनिया में ना है जितना ओकर सदस्य है भारतीय जनता पार्टी उतना दुनिया में कुबरों नहीं ना तो उतना बड़ा पार्टी लोकतंत्र में किसान आंदोलन के सामने झुके बोले तो फिर हमने सरकार की जगह अगर हमने एकजुटता के साथ धीरज के साथ धैर्य के साथ अगर आंदोलन करवे झुके बैठे हमने मांग जायज है हमने के मांग एकदम जायज है हर तरह से हम तो पहले डिबेट में जकरा हका ना हकाओ 81 विधायक के हकाओ 24 जिला कलेक्टर के बैठाओ जकरा बैठा ना आओ न्याय संगत बात कर तर्क से बात कर तमाम राज्य के उदाहरण दी कानून के उदाहरण दी संविधान के तर्क दी जितना उपयोगी है बात करना भाई जब आप कानून में बात कर सीएनटी हमारे यहाँ सीएनटी कानून है सीएनटी के तौर जाके 3 अध्याय अनुसूची 9 में शामिल है और अनुसूची 9 की लगे उल्टा में परिवर्तन खातिर बहुत बड़ा न्यायिक समीक्षा कर दो परिवर्तन नहीं कर सकल अनुसूची इगला तो बदल सकल धारा हो तो अनुच्छेद हो 395 इगला आगू पीछू कर सकल हटा सकल तोड़ मोड़ सकल अनुसूची क्यों नहीं छू सकल तो हमारे 3 अध्याय है लेकिन सीधा है कि तो जाके झारखंडियों लगे ना ओकर कौम के लगे तब ओकर जमीन रखी ना तो अन्याय असंवैधानिक काम तो अपनी कर रहा असंवैधानिक लाई की नहीं वो स्पष्ट है वो समाज तक जमीन असामाजिक लोग की ना पड़ते
अभी ओकरो नियम है जो थाना क्षेत्र के होना चाहे जिला क्षेत्र के होना चाहे एटो नियम है। तो कानून के उल्लंघन तो अपनी कह रहे जकर हाथ में कानून जे कानून ना जाना वो की जाना है। तो कानून के उल्लंघन तो तमाम अधिकारी सब कर रहा नेता मंत्री सब कर रहा तो गैर संवैधानिक के बोला तो अपने लाए पहला सजा तो अपनी होना चाहिए जो सी एन टी के उल्लंघन कर रहा है। पहला सजा अगर ककरो होना चाहिए देश में तो हमारे देश के जितना अधिकारी हो अरे 10% हतो ईमानदार अपनी के नमन करे भाई ये से लेकिन 90% तो गद्दार लोग हो अगर ना आए तो 70 साल में भारत बहुत खूबसूरत रहते। अगर धोनी ईमानदार रहते हमने विधायक मंत्री सांसद तो आज बहुत खुशहाल रहते। और बात झारखंड में 40% हमने खनिज दे तमिलनाडु जो ना वहाँ जो रेलवे के आओ ना थर्ड और फोर्थ के ग्रुप डी वाला जॉब गिला अपनी वैकेंसी भरवे नहीं करो। तमिलनाडु के लड़का सब में ग्रुप डी के वैकेंसी भर बैठे करे रेलवे के कहा कि अपना डेवलपमेंट अपनी स्टेट है जरूरत है ना से झारखंड अगर से ज्यादा टॉप रहते है। अगर हमने जितना 40% खनिज जाए और सिर्फ रिव्यू राजस्व हमने के देते है और उठा विकास के काम में खर्चा होते है तो हमने खुद फंड कर बिहार बंगाल और छत्तीसगढ़ की अरे भाई साहब मेरा दोस्त यहाँ झारखंड में थर्ड ग्रेड के बहाली आया के भर दो ना यार इतना हमने सक्षम भेजे इतना सक्षम हमने भेजब तो कहा कि हमने के नेतृत्व करता नहीं मिला जे मिला सिर्फ अपन जेब भर जे मिला तो अभी फोन कर अपन बगल के कोयलांचल के जितना विधायक मिला कि हमने जयतारा गांव खाली कर रहा है किन भी 1,000 एकड़ जमीन बेच रहा है वो विधायक का टूट के पैसा लेगा तो एक तो नहीं सोचते इसलिए गाँव से लोग कहाँ एक बार उठे थे इटा कभी ना सोचते कितना दुष्ट आदमी लगे उठा नहीं कभी फील करता है कि गोटे गाँव खाली भर रहा है परिवर्तन होना चाहिए जाके आज हमने के सुधारे नहीं तो जो आशा लगाए ना धीरे आखिर एक बात बता कोई भी नियम बना है तो हमने कोई भी विधायक बना है तो कम से कम विधायक से जानकारी रहा कोई भी बना है तो एक चुपचाप आओ एकदम चुपचाप आओ। और दूसरा बात हमने के स्थानीय विधायक मिला पता नहीं पार्टी कथित दबाव है तो एखनी सीधा सीखना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के शायद 2015 या 16 की मामला है बीजेपी के कोई एगो बहुत बड़ा मंत्री में बयान दले भोजन के लेके तो वो कहले कि भैया इंडिया बहुत तरह से इंडिया बंटा ले क्यों नाच अलग है खाना अलग है तो हर तरह से नहीं कह सकल वो जोरदार विरोध कर बीजेपी के लोग में बीजेपी विरोध कर रहा है और लास्ट में झूठे गए तो वो की कहले अगर मतलब बीजेपी यदि अरुणाचल प्रदेश में है ना तो हमारा देख के हमें तोरा देख के लेकिन हमारे विधायक के लिए डराए ला बीजेपी के लेके हमारे भाई तुम्हें बताओ कि तुम बीजेपी अगर चंदन क्यारी में है ना तो हमार बदौलत है हमें तोर बदौलत ना हो विधायक संकल्प देवे कि तुम माटी के बैठे तो कथी डर एक पहले तो विधायक लोग जे भी हम चल अरे तुरा जनता प्रेम करते ना तो लेकिन आज अगर तुम्हारा विधायक रहो चाहे हमारे हम लोग जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक हतो कांग्रेस के विधायक हतो जितना केंद्रीय पार्टी के विधायक हो सब चुपचाप हो अरे भाई तुम्हें अगर विधायक बनाना है ना तो अपन जल्द के एक बदल बनाना पार्टी का बदल नहीं बनाना तो निर्दलीय लड़के देखिए ना अगर व्यस्त काम करो तो जितने की ना जितने आप जितने कर लेना चाहे अमर बाबू रहो चाहे वहाँ डोलू दारो अपनी पहले की जेबीएम से चल ले अपना भी जिसमें जितने सीधा संघर्ष तरह जनता चाहे रोल रोको का डर का है रहना यार आज माटी का लड़ नहीं तो आने वाला दिन वही लोग माटी गद्दार थे संदेश लड़ाई के लड़ना है और तमाम शहीद गिला सपना के साकार करना है हमने में जो खामियां है ओगिलो के दूर करना है विशेष ज्यादा नहीं कहो तभी हम बिना खाई आए उतना बयाने भरे आए करे जो हाथ फिर कौन जे तारा गाँव है तो जरूर अपन बात और विचार के अच्छा से रखें और समय के साथ सबके जोहार जय झारखंड हाँ हमने अब तो भाषा पहले हम कहा हमें हर वीडियो सुन लो हवा की भाषा अगर खोच लगो बात खतियान के देखो खोच लगो सुकून लगो तो देखो खतियान में हमने 4 पॉइंट रखा लिया जगह मतलब मैन आ गए डोमिसाइल स्थानीय नीति और बाद हमने कहते रहे कि नियोजन नीति खतियान आधारित नियोजन नीति होना चाहिए। अब दो को पॉइंट जिनका समझाएगा नियोजन भी सभी बुझो नियोजन है नौकरी उद्योग नीति और विस्थापन नीति की बात करें उद्योग नीति के मतलब आओ कि जैसे झारखंड हमने के खनिज संपदा से परिपूर्ण हो कंपनी फैक्ट्री में उद्योग के मानने लगो तो राज्यपाल में भी अगर लेटर हेड जारी करा अपन अपन हस्ताक्षर से राज्यपाल में लेटर जारी कर लाए और में स्पष्ट कर लाए कि 75% नौकरी कंपनी में भी प्राइवेट भी लगो चाहे 5,000 दे रही चाहे 3,000 और में 75% झारखंड के राज्यपाल के नियम है तो उद्योग नीति मांग रहता है मुख्यमंत्री के माध्यम से कंपनी के सवाल रहता है कि जब राज्य के पहला नागरिक राज्य के सबसे मुख्य व्यक्ति राज्यपाल में कहा है कि 75% नौकरी और कंपनी में लोकल के भेतो तो कंपनी हमारा चिट्ठी दे कंपनी जितना है चाहे तो वेदांता रहो चाहे हिंदू रहो चाहे टाटा रहो कंपनी हमारा चिट्ठी जारी कर अपन 60
कि तोरिया 200 तो अगर में 150 झारखंडी हो कि ना का इधर राज्यपाल के आदेश लगा तो इटा रहते उद्योग नीति। अब आगे विस्थापन नीति, विस्थापन नीति मतलब कि जैसे कि डैम बन लो, कोई कंपनी बन लो, तो जाहिर सी बात है जमीन तो ले लो। अब की भे वो हो, दो चार गो लोग इतना होशियार हो वो जानो कि यहाँ रोड चौड़ा है वाला हो तो कहीं से लो तंबू गाड़ दे, जानो कि अब तो हटे वाला है रोड का, तो की कर लो आके रोड धारी एक तंबू गाड़ दे, या फिर अगर पता चलो कि ना ये कोलोरी टाइप घासे वाला हो यहाँ लोग खाली कर दो वो चुपचाप पहले तंबू गाड़ दे लो। अब सरकार जखन नियम आयो ताकि पैरवी हो, अब एक विस्थापन नीति के लाभ ओकरा मिल लो जकर जमीन गलो ओकरा ना जे तंबू गाड़ दिलो लोग खतियान अदर विस्थापन। विस्थापन वो कहने से नहीं होगा, कहले यार विस्थापन नहीं भेलो, खतियान के आधार पर विस्थापन तय कर कि जकर खयात गलो खरियान गलो जकर जमीन गलो वो विस्थापन के लाभ मिलना चाहिए। तुम्हें कहाँ ना कहाँ से अले है देखले होशियार हले आगे तंबू गाड़ दिले 10 दिन पहले कि अब यहाँ तो खाली भे वाला है और कह दिले हमारा ले लिये बहुत अलग हो विस्थापन नीति। तो लड़ाई बहुत भीषण रहता है और हमने लड़ाई एकदम न्याय संगत है तर्क के साथ है, तो इगला खातिर सबके तैयार है। तो जेतारा गांव से तीनों शहीद के नमन करते हम चाहबे कि तोहनी की लड़ाई तक यहां से नेतृत्व करल जाए और हर घर से नेतृत्वकर्ता बनना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा आंदोलन लगो बेटा जकर में कोई लीडर ना हो, जकर में कोई पार्टी ना हो, जकर में कोई चेहरा ना हो, गाँव के व्यक्ति झारखंड के हर गरीब व्यक्ति अपन हक अधिकार खातिर लड़ रहा बेटा के लड़ाई कोई ककरो भरोसे ना छोड़। एक बात सबको जगह अगर कोई सोचे कि नहीं हमें लड़ी देवो तो इतना बड़ो 50 किलोमीटर के रोड हो अगर कोनो भाई गलो हमारे कि लड़ाई खत्म हो जितने नहीं ना, नहीं ना लड़ाई तोहनी के लगो, लड़ाई हमने के लगो, लड़ाई सब के लगो, मिल के लड़े बस ऐसे बिनती रहो। शहीद सबके नमन करो, जय झारखंड, जय हिंद, जय झारखंड।